पांताव ने और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 में, जहां आप देखने वाले हैं नागपुर के क्राइम से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। नागपुर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स के कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2,36,000 के 10 ml ड्रग बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक गुप्त जानकारी मिली थी कि मुंबई से आने वाली दुरंतो गाड़ी में कुख्यात अपराधी राजा गवस के भाई हसन बाग निवासी ख्वाजा उर्फ पप्पू वारिस ड्रग्स लेके आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नागपुर में जाल बिछा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आगे कहा है कि आरोपी के पास से उन्हें एक मोबाइल प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पे इन मामलों की कई गुत्थियां सुलझ सकती है। कल एनडीपीएस पथक को जानकारी मिली सवेरे लगभग 3:30-4 बजे कि मुंबई से दुरंतो गाड़ी आ रही है नागपुर के लिए, और उसमें जो राजा गौस जो है, जो अभी जेल में बंद है, जो एक कुख्यात गुनेगार है, उसका भाई है ख्वाजा उर्फ पप्पू वारिस अली, वो भी हसनबाग का रहने वाला है, तो वो ड्रग्स की खेप लेके वहाँ मुंबई से आ रहा है, ऐसी जानकारी मिली। उसके हिसाब से फिर हमारे एनडीपीएस के जो इंचार्ज है सार्थक नेते साहब, उन्होंने और हमने फिर एक ट्रैप वहाँ पे नियोजित किया। उसके तहत कुछ अलग अलग टीम बनाई गई कि डुरंटो में वो कहाँ मतलब उतर सकता है। एक टीम अजनी रेलवे स्टेशन पे थी, एक जो 8 नंबर का प्लेटफॉर्म है जहाँ डुरंटो आती है वहाँ पर थी, और एक लोहा पुलिया के पास भी थी, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी स्लो हो जाती है, तो थोड़ा सा वो हमको आशंका थी कि वो वहाँ पर उतर सकता है। तो जैसे हमारी आशंका थी उसी मुताबिक वो वहाँ से उतरा, और ऑलरेडी हमारे पास उसका फ़ोटो भी था कि ये बंदा जो है नाम का ये आ रहा है उधर से करके, तो गुप्त बातमीदार ने पहले से हमको फोटोग्राफ भेज के रखा था। तो जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरा लोहा पुलिया के पास में, तो वहाँ पे हमने NMC पुलिया के पास उसको धर दबोचा, और उसके पास हमको MD बरामद हुई। MD हमको जो है वो 22 ग्राम 10 मिलीग्राम MD उससे प्राप्त हुई है। उसका जो हैंडसेट जो है मोबाइल, वो हमने सीज़ किया है, उसमें भी कुछ नए खुलासे हो जाएंगे, और वो किसको देने वाला था ये अभी PCR में है वो, तो वो हम जानकारी ले रहे हैं किसके पास से लाया था वगैरह। टोटल मुद्देमाल हमारा 2,36,000 का मुद्देमाल हमने उसमें सीज़ किया है। नहीं, MD में उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, बाकी जो गुने जो है वो उसके ऊपर दर्ज है। महाल के मेन चौक बड़कस चौक से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के ओर जाने वाले रास्ते पर नागपुर महानगर पालिका की ओर से अतिक्रमण कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए हैं। इस मौके पर परिसर के एक व्यक्ति ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए प्रशासन और गडकरी के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका क्या कहना है, आइए देखते है। यहाँ पे ये पुराना नागपुर है, आप देखिए दिल्ली में चांदनी चौक, आप चार मीनार देखिए हैदराबाद में, छोटी छोटी गलियाँ, पुणे में भी छोटी छोटी गलियाँ, पर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के जिद के कारण उन्होंने इसको 80 फुट कर दिया। यहाँ से लेके करीब करीब हजारों परिवार आज रास्ते पे आ गए। कॉम्पनसेशन इतना पुअर है, 2013 का उन्होंने रेट दिया है, आज 10 साल हो गए हैं, और रिहेबिलिटेशन में 2 दिन का समय दिया, धमकी दिया, नहीं दिया तो आपका बुलडोजर हम तोड़ डालेंगे। आज सब लोग अपने पैसे से घर तोड़ रहे हैं, कितना बुरा यानी ये कुशासन है ये गडकरी साहब का, और पूरी नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसके लिए जवाबदार है। कोरोना काल में इस तरह से आपने लोगों को रास्ते पे लेके आया, अमानवीय है। ह्यूमन राइट कमीशन में इसकी कंप्लेंट होना चाहिए कि इस अमानवीय कार्यवाही का पूरा निषेध होना चाहिए, पूरे नागरिकों ने निषेध करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पनसेशन ही नहीं है। आप देखिए कोविड सिचुएशन चल रही है, कॉम्पनसेशन नहीं है, आके धमकी देके चले गए कि हम दोबारा तोड़ देंगे, खुद ही तोड़ रहे, और हम लोग तोड़ रहे हैं, हम खुद लाखों रुपए लगा के तोड़ रहे हैं। आज व्यापारी रेसिडेंट, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे माँ बाप को मेरे को कैसे लेके जाना पड़ा मुझे मालूम है, रातों रात हमको निकलना पड़ा, यानी हमारे देश में हमारे शहर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हमको निकाल दिया गया, यानी ये हम घोर इसकी निंदा करते हैं। पहले 30 फीट का रोड था न्यू इतवारी रोड, फिर इसको 60 फुट का किया गया, और फिर अभी 80 फुट का प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ने, ऐसे करके इन्होंने 2 बार रोड को बढ़ाया गया है, और ये हम व्यापारी लोग सब विरोध में कोर्ट भी लड़े, और एक्चुअली रोड बड़ा करने से यहाँ की समस्या हल होने वाली नहीं है सर। एक्चुअली कॉरपोरेशन और पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी झटक रही है। ऑलरेडी यहाँ पे हॉकर जोन जो ठेले लगाते हैं, आज यहाँ पे 120 फुट का भी रोड किए गए, अगर ठेले लगेंगे तो जाना आना पब्लिक के लिए मुश्किल ही होगा,
तो एक्चुअली कारपोरेशन कार्रवाई नहीं कर रही है अतिक्रमण हटाने की, लेकिन ये दुकानें हटा के जो स्थायी लोग हैं यहाँ के मध्य नागपुर के, इनको उनकी दुकानें और जो किराएदार है इनको पूरा बेरोजगार करके पूरा यानी इन्होंने नस्त नाबूद और एक कोरोना ऐसा चालू है स्थिति, इस वजह से और भी संकट में हमको डाल दिया है। किराएदार हूँ और कोरोना के पिछले साल से जो गया है मार्च से पूरा धंधा हमारा वैसे भी गया है अभी इस साल, और ये जो विषय आ गया है रोड कटिंग का, इसके चक्कर में तो और बेरोजगार हो गए हम। और इस साल का अभी और जो आ गई अप्रैल मई जून का वो भी विषय धंधे का, अभी 6-7 महीने ये चलेगा और रोड का काम, तो धंधे का विषय वैसे भी चले गया है। और वैसे भी हमारा रोड 60 फुट का है, इसको अभी 80 और 90 फुट का बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता ही नहीं है। और ट्रैफिक जाम होता भी है किसके हॉकर जोन की वजह से, जो ठेले वेले लगाते हैं या कारपोरेशन वाले, उसके ऊपर कार्रवाई करते नहीं है और ये बिना कारण हमारे को तकलीफ देने का काम हो रहा है। हाँ, हॉकर्स वाले को हटा दे रहे थे, यहाँ पे वैसे भी ट्रैफिक जाम होता नहीं है, ट्रैफिक जाम होता है केड़ीबाग रोड पे खाली, जो रोड थोड़ा रुंदीकरण में था, लेकिन वो अगर चौड़ा किए रहे तो उससे तकलीफ नहीं, लेकिन हमारा वैसे भी 60 और 70 फुट का रोड है ये, तो इसको बड़े करने की कोई ज़रूरत वैसे भी थी नहीं। 25 साल से हूँ, मेरा खुद का दुकान भी है, लेकिन यहाँ पे घर मालकों का फायदा करवा दिया है, किराएदारों का किसी का फायदा नहीं किया, घर मालकों को पेमेंट मिल गया है, किराएदारों का किसी का फायदा नहीं हुआ, इससे 10,000 लोगों का नुकसान हो गया, 10,000 लोग बेरोजगार बन गए, 10,000 से ज़्यादा, हाँ 10,000 से ऊपर ही लोग बेरोजगार हो गए। आमदार और खासदार से, यहाँ आमदार खासदार और वार्ड मेंबर एक भी नहीं आ रहा है, वो यहाँ बीजेपी की लॉबी चल रही है, बीजेपी की लॉबी चल रही है और मनमानी अपना काम कर रहे हैं, मनमानी है ना, यहाँ पे कोई देख के नहीं दे रहे, कुछ भी किसी की तरफ में देख रहे नहीं, कुछ नहीं कि आपको क्या लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, चौड़ीकरण की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, यहाँ पे हॉकर्स की खाली कारपोरेशन का काम था, कारपोरेशन कोई अपना काम नहीं कर रही है, अपना मुद्दा झटक के अपना काम कर रही है। देखो, हमारा विकास के लिए कोई विरोध नहीं है सबसे पहली बात, लेकिन वो विकास के पीछे अगर हजारों व्यापारी होगा, अगर नुकसान हो रहा है तो वो विकास कोई काम का नहीं है। जब ये काम 60 फीट के रोड से चल सकता था तो इसको 80 फीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चलो ठीक है, अगर उनको ज़रूरत भी है, अगर उनको वो विकास करना ही है, हम उनको कोऑपरेशन कर ही रहे थे, तो इसके लिए पहले उन्होंने हमको कॉम्पेंसेशन तो दे देना था। आज हमको हमारे पैसों से हमारी ही बिल्डिंगें खुद की तोड़नी पड़ रही है, अगर वो हमको कॉम्पेंसेशन दे दे तो हम विकास का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हर बार वो एसडी ऑफिस में जा जा के हम चक्कर काट काट के पेपर दे दे के परेशान है, कभी ये एनओसी लाओ, कभी वो एनओसी लाओ, और ये सब एनओसी के चक्कर में अभी इन्होंने जबरदस्ती में सब तोड़ना चालू कर दिया। विकासाबद्दल काही भेदच नाही, माननीय राजसाहेब ठाकरेसुद्धा म्हणते का या महाराष्ट्राचा विकास झाला पाहिजे, पण आता माझ्या अगोदर जे व्यक्तींनी जे बोलले आहे तुम्ही त्यांचं सगळं ऐकलं, 25-30 वर्षापासून जेव्हा इथे किरायेदार राहते आहे तर त्यांचं कुठंतरी त्यांना तुम्ही मूलभूत हक्क तर त्यांना द्यायला पाहिजे ना दुकानदारीचं। आज इतकं मोठं मार्केट पडलं आहे बुधवार बाजाराचं, कितीतरी वेळा तिथे उद्घाटन झालं आहे, तुम्ही यांना कमरे द्या ना, विकासाचा मुद्दा आहे ना, विकास झालाच पाहिजे नागपूर शहराचा। हे माझ्या पहिले याच्या वाजे ज्वेलर्सवाल्यांनी जे बोलले आहे की जे जुनी सिटी आहे, जे इतवारी झालं, माल झालं, बडकत चौक झालं, या रोडवर हा रोड सफिशियंट आहे, इथे नव्हतं पाहिजे तुम्हाला। नवीन नागपूरमध्ये मनीषनगर आहे, बेचा आहे, बिलतोडी आहे, या साईडला तुम्ही डेव्हलप करा ना, तुम्ही भंडार रोड आहे जसा आहे तसाच ठेवला आहे, इतवारी शहीद चौकावर गांधी पुत्यापासून शहीद चौकावर तसाच ठेवला, तुम्हाला बडकत चौक ते रेशीमबागपर्यंत हा कौन 100 फूट दिसून राहिला। ॲक्च्युली पाहिलं तर इथं जो रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या हिशोबाने हा व्यवस्थित होतं आणि इथं सर्वसाधारण लोकाला सगळं होतं, इथं हॉकर्सला काय मिळणार आहे। आज मला एक सांगा, बडकत चौकापासून कोतवालीपर्यंत जो रोड बनला आहे सगळं ठेलेवाल्यांनी कब्जा केला आहे, सगळं ठेलेवाल्यांनी कब्जा केला, मग तुम्ही का करू राहिले याच्या? नाही, माझं काही म्हणणं नाही, माझं एकच म्हणणं आहे का विचार, जे इथं बँडवाले आहे, दुकानदार जे काही लोक आहे, त्यांच्या कुठे ना कुठे तुम्ही अरेंजमेंट करून द्या, हीच माझी मागणी आहे। इथं भारतीय जनता पार्टीचे 3-3 आजूबाजूवाले, इथं भारतीय जनता पार्टीचे 3-3 4-4 आमदार आहे, नगरसेवक आहे, 7-7 8-8 नगरसेवक, नगरसेवक कुठे झोपले आहे? मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा नागपूर शहर सचिव, बँडवाल्याची परमिशन मी घेऊन दिली होती आणि या लोकांसोबतही मी आज आहो आणि मी नेहमीपर्यंत राहीन आणि या लोकांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही असताना दुकान तुटून राहिले, नाही दुकान तुटणार नाही, म्हणजे मला म्हणते की बा उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे, उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे सरकार यायचे निर्णय ते देतात, जशी जायची सत्ता तिकडे
आज मला एक सांगा, भला सेंट्रल गव्हर्नमेंट मध्ये भारतीय जनता पार्टीची आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची इथं महाराष्ट्रात आहे, यांनी काउन थांबवली इथली कारवाई कि रोड चौड़ा करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया कि रोड चौड़ा करो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलोअप करना चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आपका अगर रोजगार वहाँ पर है तो पहले रोजगार वालों को बसाना पड़ता है और उसके बाद में आप डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट का विकास का किसी का विरोध नहीं है, ये पॉइंट कोई कर ही नहीं रहा। ये पॉइंट ये दुकानदार को एक तरफा एक 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 छोटी सी बात आप कितने न्यूज़पेपर उठा के देखो उसमें लिखा जाता है कि अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। ये अतिक्रमण की कार्रवाई है, ये कौन बोल रहा है अतिक्रमण? ये सब एक तरफा हो रहा है। कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखो अतिक्रमण ये 100 साल पुराना, जब ये कॉरपोरेशन गडकरी साहब और कोई नहीं थे तब की ये बाजार बसा हुआ है, ये अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है कि रोड चौड़ा करो, उन्होंने ये बोला है कि जो डीपी में है, डीपी में 60 फुट है, डीपी में 80 फुट नहीं है, टाउन प्लानिंग का। और ये पॉइंट और सुप्रीम कोर्ट का उसमें साफ साफ आदेश ये भी लिखा, मेरे पास कॉपी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि पहले इनको बसाया जाए। बसाने कहाँ, ये बेबन चाहिए, बेबन चाहिए, बसाने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा जितने भी दुकानदार इफेक्टिव है उनको कुछ नहीं है, आप कहीं पर भी एक उनकी रोजगार चले उतनी एक जगह दे दो, पूरे नागपुर में कहीं पर भी दो ना, हम ये नहीं बोल रहे मार्केट रोजगार हो सकते हैं। ये कम से कम 7 से 8 हजार परिवार, आप समझो 7 से 8 हमने गिना हुआ है, हम पिछले 20 साल से फाइट लड़ रहे हैं और 7 से 8 हजार परिवार इसमें इफेक्ट हो रहा है। कि साथ ये दुकान जो 200 दुकानें दिख रही है, 200 दुकान नहीं है, एक एक दुकानदार में 10-10 परिवार पल रहे हैं, जो वहाँ के कामगार है। कार्रवाई तो सबसे पहली तो नोटिस तो 99 में आई थी और तब से विरोध चल रहा है, 99 से स्टार्ट है ये और उसके तब से विरोध चल रहा है। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत, देखते हैं आगे की खबरें। पाचपौली पुलिस स्टेशन में आज महिला दिन के उपलक्ष्य में महिला अमलदार का सत्कार किया गया है। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिए शुभकामना पत्र को प्रदान कर वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी स्वरांजलि खामकर इनको आज एक दिन के प्रभारी अधिकार के तौर पर पदभार देकर उनका गौरव किया गया। इस कार्यक्रम में सभी महिला अधिकारी शामिल हुई थी। महिला दिन के उपलक्ष्य में पुलिस स्टेशन के सभी महिला कर्मचारियों का सत्कार किया गया। हिवरा प्राथमिक केंद्र में आज महिला दिन के उपलक्ष्य में ज्येष्ठ महिलाओं के सम्मान में उन्हें कोरोना का वैक्सीन लगाया गया, साथ ही उन्हें गुलदस्ता देकर महिला दिन की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर प्राथमिक आरोग्य केंद्र की सभी महिला कर्मचारी उपस्थित थी। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।